स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास से संबंधित टॉपिक लाया हूँ और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित जो टॉपिक है ये आपके यूपी ट्रिपल SC, लेखपाल, UPPSC और अन्य उत्तर प्रदेश की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं अपना उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास। देखिए, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश मध्य देश के नाम से प्रसिद्ध था। तो देखिए, प्राचीन काल में जो उत्तर प्रदेश का नाम था वो क्या था, आपका मध्य देश नाम था। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश किस नाम से प्रसिद्ध था तो आपका क्या हो जाएगा, मध्य देश के नाम से प्रसिद्ध था। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के पहले हम ऐतिहासिक स्रोत के बारे में देख लेते हैं कि ऐतिहासिक स्रोत जो है वो इसके साक्ष्य में कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो देखिए, जो है सालोड़ू का शिलालेख, ये कहाँ है, जौनपुर में, तो यहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं। फिर पथवार और कनिहारा का शिलालेख, और ये कहाँ है आपका, मथुरा में, यहाँ से भी इसके साक्ष्य मिले हैं। फिर सोनपुर की गुफा, ये कहाँ है आपकी, हस्तिनापुर में, यहाँ से इसके ऐतिहासिक स्रोत के साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि निम्न में से किनमें उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्रोत या साक्ष्य पाए गए हैं, तो उनमें इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर की तरफ। अब देखिए, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें पाषाण अथवा पत्थरों से निर्मित वस्तुएं एवं उपकरणों से मिलती है। तो प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें किससे मिलती है, पत्थर और पत्थरों से जो निर्मित औजार थे या उपकरण थे उनसे मिलती है। इसमें कोई लिखित नहीं था, इसलिए इस काल को क्या कहा जाता है, पाषाण काल कहा जाता है। इसकी जानकारी हमें पत्थरों से मिलती है, उपकरणों से मिलती है, उनसे बने हुए उपकरणों से मिलती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। पहला क्या है, पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। अब देखिए, पहला हम लोग देख लेते हैं पूरा पाषाण काल। देखिए, पूरा पाषाण काल, अब एक एक करके इससे अंतर्गत जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उन लोगों को हम लोग, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, उनको हम लोग देखेंगे। देखिए, पुरापाषाण काल में जो इस सभ्यता के साक्ष्य दो हैं कहाँ मिले हैं, बेलन घाटी इलाहाबाद में मिले हुए हैं। देखिए, बेलन घाटी जो है वो टोंस नदी की एक सहायिका है। बेलन नदी टोंस की एक सहायिका नदी है, बेलन नदी, तो ये इसका सहायक क्षेत्र है। ठीक है, तो बेलन घाटी टोंस नदी की सहायिका, बेलन नदी का प्रवाह क्षेत्र है। अब देखिए, बेलन नदी ये कहाँ से निकलकर, सोनभद्र से निकलकर कहाँ जाती है, मिर्जापुर होते हुए इलाहाबाद में किससे मिल जाती है, ये टोंस नदी से मिल जाती है। किससे मिल जाती है, टोंस नदी से मिल जाती है। और टोंस नदी जो है वो किसकी सहायिका नदी है, ये गंगा की सहायिका नदी है। ठीक है, तो बेलन घाटी से किसके साक्ष्य मिले हैं, पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। ओके, अब देखिए, इसके साक्ष्य सिंगरौली घाटी से भी मिले हैं, सोनभद्र। ठीक है, और सोनभद्र एक ऐसा उत्तर प्रदेश का जिला है जो भारत के चार राज्यों से इसकी सीमा लगती है। किन किन राज्यों से, मध्य प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, झारखंड से लगती है और बिहार से लगती है। ओके, अब देखिए, चकिया चंदौली से भी पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। देखिए, चकिया एक ब्रिटिश जब अंग्रेजों की जब सरकार थी तो उसमें चकिया जो था वो बनारस का राज्य था। किसका था, बनारस का राज्य था, बनारस राज्य नहीं था, बनारस राज्य का हिस्सा था ये, जो कि मिर्जापुर तहसील में से एक था। ठीक है, ये मिर्जापुर तहसीलों में से एक था। इसके एक और विंध्य पर्वत है, एक और क्या है आपका, विंध्य पर्वत है, और दूसरी ओर जो है क्या है इसके, गंगा का मैदानी इलाका है। ठीक है,
तो तहसील का जो इसका बड़ा हिस्सा है वो बिंद पठार में स्थित है। ओके, तो अब देखिए चलते हैं अपने टॉपिक के। देखिए बेलन घाटी के पुरा स्थलों की खुदाई प्रोफेसर जी आर शर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा की गई थी। तो बेलन घाटी के जो पुरा स्थल थे उनकी खुदाई किसके द्वारा की गई थी? प्रोफेसर जी आर शर्मा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित है ये, इनके द्वारा की गई थी। इस सभ्यता के ज़्यादातर जो उपकरण थे वो कार्टजाइट पत्थरों से निर्मित थे। तो ये आपका डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि पुरापाषाण काल में जो पत्थर थे वो किन पत्थरों से निर्मित थे, ठीक है। इस पाषाण काल के लोगों को पशुपालन से परिचित होने के साक्ष्य मिलते हैं। ओके, यहाँ के साक्ष्य मिलते हैं पशुपालन से। हालांकि आग कृषि कार्य और ग्रह कार्य का इनको ज्ञान नहीं था। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए मध्य पाषाण काल के साक्ष्य जो वो कहाँ मिलते हैं? आपके मिर्जापुर सोनभद्र, ये दोनों के बॉर्डर पे मुरहाना पहाड़ लेखैया बगही खेरा से मिलते हैं। और इलाहाबाद में कहाँ से मिलते हैं? मेजा बारा फूलपुर कोराव और करछना से मिलते हैं। देखिए लेखैया से ऐसे कंकाल मिले हैं, ठीक है, जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, ठीक है। फिर और मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? प्रतापगढ़ में कहाँ से? सराय नहर महदहा से दमदहा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। देखिए सराय नहर प्रतापगढ़ से सवाधान प्राप्त हुए हैं, मतलब सौ यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और जो मृतक हैं, जो मरे हुए लोग हैं, उनका जो सिर है वो किधर है? पश्चिम की ओर है, ठीक है, पश्चिम की ओर उनको दफनाया गया था, उनका सिर पश्चिम की तरफ था। फिर चोपनी मांडो इलाहाबाद में है ये, यहाँ से मध्य पाषाणकालीन किसके साक्ष मिले? झोपड़ियों के साक्ष मिले, मिट्टी के बर्तनों के साक्ष मिले हैं। ओके, तो चोपनी मंडो इलाहाबाद से किसके? झोपड़ी के और मिट्टी के बर्तनों के साक्ष मिले हैं, ठीक है। देखिए चोपनी मंडो जो है वो इलाहाबाद से लगभग 77 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। और ये बूढ़ी बेलन नदी, ठीक है। इस पूरा स्थल को, मतलब चोपनी मांडो जो इलाहाबाद में है, इस पूरा स्थल को खोजने का श्रेय जो है वो किसको जाता है? बीबी मिश्र को। ओके, किसको जाता है? बीबी मिश्र को जाता है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि महदहा स्थल से उपकरणों के साथ साथ, अब महदहा कहाँ है आपका? प्रतापगढ़ में है। यहाँ से क्या मिले हैं? चूल्हे अस्थि एवं सिंह के उपकरणों के साक्ष मिले हैं। ओके, देखिए अब आया है आपका नवपाषाण काल। क्या है आपका नवपाषाण काल? जूम कर लिया थोड़ा सा। देखिए नवपाषाण काल के साक्ष आपके कहाँ मिले हैं? ये इलाहाबाद में बेलन घाटी, कोलडीहवा, मगहा और पंचोह से मिले हैं। और इसके प्रतापगढ़, मिर्जापुर तथा सोनभद्र जिलों से भी इसके साक्ष प्राप्त हुए हैं नवपाषाण काल के। देखिए कोलडीहवा से धान की खेती के साक्ष मिले हैं, तो डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि धान की खेती के साक्ष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कोलडीहवा से। और यहाँ तकरीबन कोलडीहवा में 6000 ईसा पूर्व से ही धान उपजाया जाता था। ओके, मानव कृषि कर्म के साथ साथ पशुपालन, मिट्टी के बर्तन, चित्रकारी, पालिश करने, आवास बनाने और जानवरों की खालों से वस्त्र बनाने क्रियाओं से परिचित था, ठीक है। तो ये सारी क्रियाओं से परिचित होने के साथ कब मिलते हैं? नवपाषाण काल में मिलते हैं। ओके, तो ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये आप सभी लोगों को पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।